मांझागढ़ थाना क्षेत्र के अरवलिया गांव में शादी के 4 साल बाद एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भेज दिया है और मामले की छानबीन करने में जुट गई है। मृतका अरवलिया गांव के विनय कुमार यादव की पत्नी प्रियंका देवी थी। घटना के संबंध में बरौली थाने के नेवरी गांव के निवासी और मृतका के चचेरे भाई रवि कुमार मुन्ना ने बताया कि उसकी चचेरी बहन प्रियंका कुमारी की शादी करीब 4 वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वालों का व्यवहार ठीक था, लेकिन इधर कुछ दिनों से उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। वहीं मृतका का पति दिल्ली में रहकर कमाई करता था, जो पिछले करीब 3-4 दिन पहले दिल्ली से घर आया हुआ था। इसके बाद उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर दी। रवि कुमार मुन्ना मेरा नाम है, वो मेरी चचेरी बहन है। आज से 3 साल पहले शादी हुई थी 2017 में। लड़का दिल्ली रहता है, 3-4 रोज पहले आया और पता चला कि आया है। आज सुबह 5 बजे करीब मुझे पता चला वहाँ के बगल के द्वारा कि आपके बहन का चचेरी बहन का हत्या कर दिया गया। जब भागे हुए हम यहाँ पे आए तो देखे कि हत्या करके उसको उसी के पलंग पे बिछावन फर्स्ट क्लास करके और उसमें सुला दिया गया था, ऊपर से एक चादर उड़ा दिया गया था। उसके बाद नीचे देखे तो कान की जो बाली है वो टूट के बिखरा हुआ था, गले पे हाथ से दाब के हत्या करने का जो है चिन्ह बाकी है उसके गले पे है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी एस आर एस न्यूज, गोपालगंज, बिहार।